नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। बिहार की सियासत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार बता ही दिया कि वे लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार बाढ़ में सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कई खुलासे किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिरकार उन्होंने किस वजह से लोकसभा का चुनाव छोड़ दिया। बाढ़ में सामुदायिक भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हटने से उन्हें काफी दुख हुआ था। बाढ़ क्षेत्र में उनका काफी आत्मीय संबंध रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि परिसीमन के बाद जब बाढ़ लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व खत्म हो गया तो उन्हें इस बात का काफी दुख हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ लोकसभा क्षेत्र हटने से उन्हें काफी दुख हुआ है। इसके बाद हमने यह निर्णय लिया कि लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। बाढ़ से मेरा क्या लगाव रहा और मैंने बाढ़ के लिए क्या किया, ये सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मैं केंद्र में मंत्री था। बाढ़ इलाके में मैं काफ़ी घूमा करता था। मैं दिन में 12 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक घूमा करता था। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब मैं केंद्र में मंत्री था तब मैंने टाल के क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए शुरुआत कराई थी। बाद में जब ललन सिंह मंत्री बने तो उन्होंने कुछ काम कराया। आज बाढ़ के इलाके में बहुउद्देशीय सभागार का निर्माण किया जा रहा है। बाढ़ में सामुदायिक भवन बनाने के मीटिंग हॉल बड़ा हो गया है। इसमें किचन से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार का साल 2004 के लोकसभा चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव था। इस सीट से वे लगातार 5 बार यानी कि 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में जीत कर संसद भवन पहुंचे थे। लेकिन साल 2004 में वो इसी सीट से राजद के उम्मीदवार विजय कृष्ण से चुनाव हार गए थे। तब नीतीश कुमार तत्कालीन रेल मंत्री थे। उस समय राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि संभावित हार को देखते हुए नीतीश कुमार ने 2 लोकसभा क्षेत्रों का चयन किया था, जिसमें से पहला क्षेत्र था बाढ़ और दूसरा नालंदा। विश्लेषकों का यह भी मानना था कि साल 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और विजय कृष्ण के बीच में कांटे की टक्कर हुई थी। 1999 में नीतीश कुमार इस सीट से हारते हारते बचे थे। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। यही वह समय था जब लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई थी। नीतीश कुमार 1999 में मात्र 1335 वोटों के मामूली जीत हार से जीते थे। आपको बता दें कि साल 1989 में नीतीश कुमार पहली बार लोकसभा का चुनाव बाढ़ से जीते थे। उन्हें पहली बार में ही केंद्र में मंत्री बनाया गया था। पीएम बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। इसके बाद वे बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम बनते चले गए। तो इस तरह से आपको हम बता दें कि लगातार मीडिया में खबरें आती है और नीतीश कुमार के अब तक के कार्यकाल यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, वो एमपी एमएलए का चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। तो ऐसे में आज नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जैसे ही बाढ़ का परिसीमन खत्म हो गया यानी कि बाढ़ संसदीय क्षेत्र का परिसीमन खत्म हुआ है, उसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो आज उन्होंने एक तरह से हम कह लें कि सारे विपक्ष को ये जवाब दिया है और मीडिया में चल रही खबरों को भी उन्होंने एक विराम दिया है। तो ये थी बिहार की पॉलिटिकल किस्सों की एक कहानी नीतीश कुमार से लेकर जुड़ी हुई थी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।